जमशेदपुर से श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका। हेलो नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। जी नमस्कार। मुझे जानना था, मुझे पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है और गले के चारों तरफ भी कोई स्वेलिंग आ गई है, दोनों तरफ गले की बाई और दाई दाई तरफ भी स्वेलिंग है। तो हमें क्या दवाई लेनी चाहिए? बेटा कैसी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 40 है और ये मुझे 7 साल पहले से हुआ हुआ है स्पाइन की। ठीक है। अच्छा देखिए, आपके गले के लिए एक इलाज है कि आपको 5 बार दिन में गर्म पानी पीना है, और उसमें गर्म पानी करेंगे ना तो उसमें आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच धनिया और एक चुटकी इसमें मिलाना है खाने वाला नमक। 2 गिलास पानी में उबालिए, इतना उबालिए कि 1 गिलास रह जाए जलते जलते, और फिर गरम गरम पीजिए तो चुस्कियाँ लेके तो गले का इलाज हो जाएगा। स्पाइन की प्रॉब्लम की दुनिया की एक अच्छी रॉ मटेरियल मैं बताता हूँ, मिलेगी मुश्किल से। नकली मत लेना, असली लेना। गौंद स्याह यानी काला गौंद, काला गौंद आप 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो उसके ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है, लेकिन इसकी खुराक बहुत ज़रा सी है और 10-12 रुपए की एक दिन की इसकी दवा है। अगर असली मिल जाए तो 10-12 रुपए एक दिन में खर्च कर सकता है शायद हर आदमी। आप भी उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम इसको खाइए और आप देखेंगे ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आप पहले जैसी हो गई, तो मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से, मनीराम हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी सवाल कीजिए। हाँ जी मैडम, मैंने कल भी फोन करा था। जी जी मनीराम बोल रहा हूँ मैडम मैं। बोलिए मैडम जी। मैंने हकीम साहब से एक वो उन्होंने बताया था। जी क्या बताया था आपको? उन्होंने बोला था अदरक लहसुन और क्या कहते हैं जैतून का सिरका और नींबू, ये मेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं, उसके ठीक लिए बताया था उन्होंने। जी तो वो मैं वहां पे पता करके आया जहाँ पे मिलता है। हमारे यहाँ एक कोई वैद वैद है, वैद उनके वहां जाके पता करके आया था मैं। वो कह रहे कि भी सिरका तो नहीं आता जैतून का। अच्छा ठीक है। जी गौर से सुनिए मेरी बात। हर वैद हर हकीम आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर आप परेशान होंगे। जैतून का सिरका आता है और ये आपको हासिल करना है, कहीं नहीं मिले तो हमारे पास भी मिल सकता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हफ्ता 2 हफ्ता लगेंगे आप तक पहुंचने में। और किसी से बनी बनाई दवाई नहीं लेना, आपको खुद बनानी है, ये शर्त है। और बाकी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, नींबू लहसुन अदरक ये तो सबको ही मिलती है, इसका जूस निकाल लीजिए। या इसकी बनी बनाई दवा भी आती है और वो है सीरप एच केयर। एच मतलब हार्ट, ये ख़ास तौर पर हार्ट के लिए या दिमाग के मर्ज़ के लिए जो ब्लॉकेज हो जाते हैं या हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं या कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उसके लिए होती है। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। मेरी बात गौर से सुना करिए, आपका वक्त ज़ाया होता है बार बार फ़ोन करने में, तो ये आप खुद बना सकते हैं। और जैतून का सिरका मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ मिलता है, कहीं नहीं मिले तो हमारे पास तो मिलता है, क्योंकि ये जैतून यहाँ पैदा नहीं होता, तो कुछ ही लोग इसको बनाते हैं। सऊदी मुल्कों से ये जैतून आता है, उसका फिर सिरका बनाया जाता है। एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो हर कोई रखता नहीं है, महंगा भी आता है, इस वजह से भी नहीं रखते। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं गोपाल मुंबई से हमारे साथ। स्वागत है गोपाल आपका। हेलो। हाँ जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आदाब भाई। हेलो। जी गोपाल मेरी भाई। लड़की है। हाँ मेरी लड़की है, रेखा गुप्ता करके, 40 साल उम्र है। जी हेलो। जी हम सुन रहे हैं, आप बताएं। हाँ 40 साल उम्र है, उसका पेट फूल जाता है। तो देखो दिन में, एक दो दिन में शाम शाम होते होते पेट फूल जाता है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है।
अच्छा, कोई सोनोग्राफी वगैरह करा लिया आपने? सोनोग्राफी में तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर बहुत अच्छा है। मैं एक नुस्खा बताता हूँ, और बच्ची के अगर पथरी नहीं है तो बहुत अच्छा है। सोनोग्राफी में भी पता चल जाए पथरी तो नहीं है तो बहुत अच्छा है। कि पथरी नहीं है, एनिमल फैट बंद कर दे। और देखिए, सौंफ धनिया सौंठ यानी अदरक का जो पाउडर होता है उसे सौंठ कहते हैं, और अलसी, सौंफ धनिया सौंठ अलसी और कलौंजी का नमक, एक वो आता है एस्टेक कलौंजी का, उसको हम आसान जबान में कलौंजी का नमक कहते हैं। इन सबको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और 3-3 ग्राम दिन में खाने से पहले पानी के साथ इनको दीजिए, और एक दिन में 5 बार इन्हें गर्म पानी पीना है। ये अगर करते हैं तो बहुत जल्दी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, आपकी बच्ची जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो अभी यहाँ पे नुस्खे हकीम साहब ने आपको बताए हैं, ये नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि अब आप ये नुस्खे अपनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप भी ये चाहते होंगे, हम भी ये चाहते हैं कि आपकी बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो आपने एक विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में कॉल किया है, तो उसी विश्वास के साथ आपको ये नुस्खे भी अपनाने होंगे, तभी देखिएगा आपको लाभ ही लाभ ज़रूर मिलेगा। दर्शकों, एक बार फिर से बताना चाहूँगी, जितने भी रॉ मटेरियल आप सभी को हकीम साहब बताते हैं, आप मार्केट में जाके भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर असली नकली में पहचान नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी कंपनी यानी कि हकीम साहब की कंपनी से आप उन्हें मंगवा सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी चीज़ आप तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम असली ही रॉ मटेरियल आप तक पहुंचाते हैं, जो आपको घर में ही पीस के बनानी होगी। और जो दवाई भी आपको हकीम साहब यहां पे बताते हैं वो यूनानी पद्धति से जुड़ी हुई है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अरे मैडम, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, घुटनों में बहुत परेशान रहते हैं। कहाँ से बात कर रही है, नाम क्या है आपका? मैं इटावा से बात कर रही हूँ, नाम लाली है। चलिए ठीक है। हाँ लाली, असली पेशेंट तो आप ही हैं, सीधा बीमारी के बारे में बात कर रही हैं। ऐसे ही पेशेंट होते हैं जो सही जरूरतमंद होते हैं। लाली देखो, आप अगर ठीक होना चाहते हो तो आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, और एक गोंद आता है, गोंद स्याह हम कहते हैं, और इसे काला गोंद भी कहा जाता है, ये असली हासिल करिए, असली ही मिलना चाहिए। और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से, और आप अगर रईस हैं तो जूस से, या कभी दूध कभी पानी कभी जूस इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे कि आप बात करते हैं गौन सिया की, गौन मोरिंगा की, तो इनके एक पहचान आपसे ज़रूर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, क्योंकि एक यही है जो व्यक्ति को इतना ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, और कुछ लोगों को तो मिल पाना ही मुश्किल हो रहा है। हाँ देखिए, वैसे तो अगर आप मुझसे कहें कि असली दूध की पहचान करो तो भी नहीं होती जी। शहद में भी लोग जो नकल बनाने वाले हैं बहुत, बिल्कुल, मतलब असल से भी अच्छा बना देते हैं जी, दूध भी बना देते हैं, घी भी बना देते हैं। सबसे पहले तो पहचान जो दवाइयों की है वो ये कड़वा होता है, काफी कड़वा होता है। ठीक है, मतलब अगर एक चुटकी मुंह में रख लो, गोंद है, गम है ये, तो फिर धीरे धीरे मुँह कड़वा होना शुरू हो जाता है, इतना कड़वा हो जाता है धीरे धीरे कि आदमी को थूकना पड़ता है, फिर भी ठीक नहीं होता, पानी पीता है उससे भी ठीक नहीं होता, कड़वाहट मतलब जाती नहीं, तो फिर कुछ मीठा या नमकीन खाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो होता है। मतलब नीम भी इसके आगे कुछ नहीं कड़वा, और करेला भी कुछ नहीं, ये सब तो मैं ऐसे ही खा जाता हूँ, नीम करेला जितनी भी कड़वी चीज़ें, लेकिन ये इतना कड़वा है कि फिर मुझे अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं करूँ तो मुझे परेशानी हो जाती। रंग में ब्राउन होता है, काला कहते हैं इसे, गोंद स्याह या काला, रंग में ब्राउन होता है, और फिर भी भरोसे की जगह से लेंगे तो फायदा मुमकिन है। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए।
मैंने अभी रात के दौर साहब बाद में एम एस चौहान जी जी सवाल कीजिए। तो मेरा हाथ में स्किन एलर्जी हाथों में ना, ठीक है, ठीक है। चौहान साहब, मैंने आपको एक नुस्खा बताया था, फिर से बता देता हूँ। देखिए, धनिया सौंफ सौंठ और गौन मोरिंगा, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लें, और ऐसे आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि अब आपने सारी बातें यहाँ पे जान ली होंगी। अगर कोई भी बात सुनने से आप चूक जाते हैं तो हेल्पलाइन नंबर लगातार चल रहे हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, आप लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग अपने आप को समझेंगे, अपने शरीर को समझेंगे, अपने जीवन को समझेंगे, तो एक बेहतर उपचार आप सभी कर सकते हैं। और ऐसे घरेलू नुस्खे आप लोगों को बताए जा रहे हैं जो बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, आप लोगों को घर में बैठे बैठे ही तो बनाने हैं। बस ख्याल रखना है परहेज का, जो हकीम साहब लगातार आप लोगों को बता रहे हैं। मन में कोई भी संकोच आप लोगों को नहीं रखना है, सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ। कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी कॉलर से यहाँ पे खुल के बात की जाए, उन्हें सही उपचार बताया जाए। लेकिन अगर आप लोगों का कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दो ही रोग बड़े हैं, एक तो ये कि हमारा पेट में कोई रोग नहीं होना चाहिए, गैस खा और खट्टी डकार और कब्ज वगैरह वगैरह, हमें जो है पेट साफ रहना चाहिए। और एक हमें नज़ला ज़ुकाम नहीं होना चाहिए, छींकें नहीं आनी चाहिए। अब क्योंकि ये पता चला है लोगों को, हालांकि मैं तो शुरू से कहता हूँ कि देखिए, हमारे अंदर जो एक शक्ति है ऊपर वाले ने दी है सबको, तो वो शक्ति ऐसी है जो बीमारियों से लड़ती है, हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारे खून में है। अब गांव वाले कहते हैं कि खून में सर्दी है इसके, तो ये जो खून की सर्दी है, जो लोग ज़रा सी हवा चलने से ज़रा सा छौंका लगने से छींकने लगते हैं, ये बड़े कमज़ोर लोग कहलाते हैं, और इनमें इम्यूनिटी की कमी होती है। इम्यूनिटी हर शख्स में ज़रूरत के मुताबिक होनी ही चाहिए, और मौजूदा वक्त में तो पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत पड़ गई, जबकि यूनानी हमेशा से इस शक्ति के बारे में, जो हम कुव्वत मुदाफियत कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, इसके बारे में यूनानी हमेशा से बात करती है। तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसी दवाएँ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, उनको लगातार 5-6 महीने इस्तेमाल करें। और सभी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, और घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, जिसको जो चाहिए वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें। कॉलर हैं सना हुसैन हमारे साथ, स्वागत है सना आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वाले सलाम। जी सना जी, मैं आपका टी केयर खा रही हूँ। अच्छा, और फिर वो जॉइंट पेन बोलते हैं ना, जी। अच्छा, ये बताइए, तबीयत आपकी कुछ बेहतर हुई? मेरा कमर से ना नीचे बहुत दर्द देता है डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, चलने नहीं बनता, लंगड़ा लंगड़ा के चलती। आपको तो अभी तक मुकम्मल फायदा हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि चाहे दवा ना खाएं, वो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन घर में वेस्टर्न टॉयलेट जरूर होना चाहिए, जिनके कमर से टांगों में दर्द आता है। और हर घर में तकरीबन कोई बुज़ुर्ग होता है जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, आप और मेरी उम्र तकरीबन यकसा है, बराबर है, तो आपको ये काम ज़रूर करना है अगर आपको ठीक होना, नहीं तो बार बार दवाएं आपके उस जगह को जोड़ती हैं, और आप जब वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होता, फारिग होने के लिए जाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता जब तक आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होता। एक सीटी तो लगवानी है, जो आपका बाथरूम है उसी पर एक सीट लगवानी है, बात ख़त्म। कितना पैसा लगेगा? 1,000-2,000 रुपये लगेंगे। इतना पैसा तो आप दवाओं पर खर्च कर देते हैं, तो आप ये ज़रूर करें जब भी आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिनेश भाटिया नोएडा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी,
डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। जी जी आदाब आदाब भाटिया साहब। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब मेरी डॉटर है 16 साल की है जी, और वो पहले चंडीगढ़ रहती थी, अब यहाँ नोएडा शिफ्ट हो गई है। तो डॉक्टर साहब उसके बाल अचानक ना काफी झड़ने लगते हैं, बहुत गुच्छे हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्ची का हार्मोन्स टेस्ट जरूर करा लें, और नुस्खा भी मैं बता रहा हूँ, एक नारियल पानी रोज पिलाएं, और बच्ची काफ़ी होना चाहिए उस बच्ची के लिए, नोएडा में मिलता है, और उसके बावजूद भी आप उसको ऐसा लगे कि कम फायदा है तो आधा ग्राम इस नारियल पानी के साथ गौन मोरिंगा इस्तेमाल करें, ये काफ़ी पावरफुल होता है, और रोज़ाना लें, कुछ हफ्ते लेंगी तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।